नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम क्रैकर विद एवी में। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं आप लोग की ESSC UDC मेंस क्लास नंबर 6। UDC के मेंस के क्लास नंबर 6 के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑलरेडी आप लोग के 5 वीडियोस डल चुके हैं, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग को बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा। जो भी आप लोग को क्वेरीज हैं उसको कमेंट सेक्शन में तो आप लिखते ही हैं, लिखते रहिएगा, ठीक है। तो मैं देखता हूँ आप लोग का जो भी कमेंट्स रहता है, आप लोग को देखता हूँ, और जो रिप्लाई करने लायक रहता है उसको रिप्लाई भी कर देता हूँ। एंड जो आप लोग को एक्स्ट्रा कुछ चाहिए रिलेटेड टू GK मैथ रीजनिंग के लिए, हम लोग के पास वो इंफ्रा भी नहीं है तो मैथ रीजनिंग अभी करवाने के लिए, तो मेन है अपना GK। जो हम लोग मैं करवा सकता हूँ वो मैं करवा दे रहा हूँ आप लोग के लिए। तो GK की तैयारी चल रही है यहाँ पे, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो CCD तो आप लोग सब लोग जानते हैं, मैक्सिमम लोग ये CCD तो जाते ही हैं। जब भी आप लोग का कोई न्यू कोई भी इंपॉर्टेंट ओकेशन रहता है या फिर आप लोग को कुछ अच्छा इंप्रेशन बनाना है तो CCD में ही आप लोग अपना जो भी रहता है CCD करते हो, कैफ़े कॉफ़ी डे। इसके जो हेड है वो आप लोग के कौन है, विजी सिद्धार्था। क्यों नहीं, ये विजी सिद्धार्था, ठीक है, विजी सिद्धार्था इसके हेड हैं कैफ़े कॉफ़ी डे के। ये आप लोग का क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है, विजय सिद्धार्था जो है वो किसके हेड है आप लोग के, तो आंसर हो जाएगा आप लोग का कैफ़े कॉफ़ी डे। अगला जो है बिलव्ड, बिलव्ड एक नॉवेल का नाम है, क्या नाम है, बिलव्ड, ये किसने लिखा है, तो टोनी मॉरिसन। टोनी मॉरिसन जो है इन्होंने लिखा है आप लोग का बिलव्ड, एक नॉवेल है जो कि नाम है आप लोग का जिसका बिलव्ड, बिलव्ड नाम का एक नॉवेल है जिसके है जिसके राइटर कौन है आप लोग के, टोनी मॉरिसन, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर कहाँ पे बना है आप लोग का, एंड अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर इज़ इन न्यू दिल्ली, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर इज़ इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट इज़ ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म, दैट इज़ स्वैन, ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म दैट इज़ स्वैन, इट इज़ स्टार्टेड इन विच स्टेट, दैट इज़ इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हुआ आप लोग का स्वैन नाम का ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म। अगला जो है दस्तक कैंपेन, दस्तक कैंपेन क्या है, दस्तक कैंपेन इज़ रिलेटेड टू जापानीज एंसीफिलाइटिस जो आप लोग का हुआ था, बहुत ज़्यादा फैला हुआ था एंसीफिलाइटिस, इसको एलिमिनेट करने के लिए कैंपेन स्टार्ट किया गया जिसका नाम आप लोग का है दस्तक कैंपेन, ठीक है। आप लोग को इसको अच्छे से याद रखना है, जापानीज एंसीफिलाइटिस को ख़त्म करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए दस्तक कैंपेन स्टार्ट किया गया है। अगला जो है इसरो टेक्निकल लाइजन यूनिट, लाइजन यूनिट जो है आप लोग का इसरो टेक्निकल लाइजन यूनिट जो है ये आप लोग का कहाँ पे बना, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का रशिया, रशिया का, रशिया में बना हुआ है। रशिया की करेंसी क्या है इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, रशिया का कैपिटल क्या है उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है। एंड 2018 का, 2018 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ आप लोग का, रशिया में हुआ है, ठीक है। तो आप लोग का ये रशिया आप लोग के लिए कुछ कुछ क्वेश्चन ला कर आता है यहाँ पे, आप लोग का रशिया से बहुत सारे कॉस्मो लिया हुआ है, उसके बाद एंटी टैंक मिसाइल्स लेते हैं, रॉकेट्स लेते हैं, ठीक है, बहुत कुछ रहता है रशिया से आप लोग का रिलेटेड टू, ठीक है। अग तो ये जो आप लोग का इसरो टेक्निकल लेसन यूनिट है ये आप लोग का है रशिया में बन रहा है, ठीक है। अगला जो है आशियान समिट 2019, आशियान समिट 2019 जो है इसमें ये कहाँ हो रहा है आप लोग का, थाईलैंड में हो रहा है। थाईलैंड से मुझे एक क्वेश्चन याद आ गया आप लोग का, थाईलैंड की कैपिटल क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, थाईलैंड के कैपिटल क्या है, बैंकॉक। थाईलैंड का आप लोग का करेंसी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है, थाईलैंड का कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखेंगे कि करेंसी क्या है। नेक्स्ट आप लोग का जो है थाईलैंड और इंडिया के बीच में एक मिलिट एक एक्सरसाइज हुआ है आप लोग का जिसका नाम है आप लोग का मैत्री, मैत्री और मित्र शक्ति में डिफरेंस है आप लोग का, मैत्री जो है बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड, मैत्री इज़ बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड, मित्र शक्ति इज़ बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है, इंडिया एंड श्रीलंका, इसको आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अगला जो है न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी, पहले कौन थे, सुभाष चंद्र गर्ग थे फाइनेंस सेक्रेटरी, तो इससे पहले थे वो थे सुभाष चंद्र गर्ग, उनके हटने के बाद अभी बन गए हैं राजीव कुमार। राजीव कुमार किस चीज, राजीव कुमार एक और चीज़ के हैं आप लोग के बहुत इंपॉर्टेंट, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन भी आप लोग के कौन हो जाते हैं, राजीव कुमार। नीति आयोग के CEO कौन है इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है, नीति आयोग के CEO कौन है इसको कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन भी आप लोग के राजीव कुमार हो जाते हैं, ठीक है। अगला जो है अजय कुमार भल्ला, ये हैं होम सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी जो है वो हैं अजय कुमार भल्ला, इसको याद रखना है, अजय कुमार भल्ला एंड राजीव कुमार, अजय कुमार भल्ला एंड राजीव कुमार, एक होम सेक्रेटरी कौन है, राजीव कुमार भल्ला है, अजय कुमार भल्ला है, एंड राजीव कुमार इज़ द फाइनेंस सेक्रेटरी, ठीक है।
और फाइनेंस सेक्रेटरी का सबसे बड़ा एक रोल क्या होता है आप लोग का, फाइनेंस सेक्रेटरी के ही साइन होते हैं 1 रुपये के नोट में, 1 रुपये के नोट में फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं, और सारे नोट में आप लोग के आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं, 1 रुपये के नोट में फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं, और सारे नोट में आप लोग के जो हैं आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं। एट प्रेजेंट आप लोग के आरबीआई गवर्नर कौन है इसको कमेंट सेक्शन में लिखिए आप लोग, ठीक है। एट प्रेजेंट उर्जित पटेल के रिजाइन करने के बाद कौन आरबीआई के गवर्नर बने हैं इसको कमेंट सेक्शन में लिखेंगे आप लोग। नेक्स्ट आप लोग का है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस हैज़ हेल्ड एट कहाँ पे, मेघालय में आप लोग का हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस आप लोग का हुआ है मेघालय में, कहाँ हुआ है आप लोग का, मेघालय में, ठीक है। मेघालय का आप लोग का कैपिटल क्या है इसको कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, एंड मेघालय के अभी एट प्रेजेंट CM कौन है इसको भी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे आप लोग, ठीक है। इजी इजी क्वेश्चन है इसलिए मैं आप लोग को बता नहीं रहा हूँ, ये सब क्या है आप लोग को एकदम फिंगर टिप्स में होना चाहिए, इसका कैपिटल क्या है एंड इसके CM कौन है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस हो गया आप लोग का मेघालय। नेक्स्ट आप लोग का है प्रोजेक्ट, क्या प्रोजेक्ट है, रीवीव और समर्थ। रीवीव और समर्थ जो दो आप लोग का क्या है, ये एक ऐसा है जिसको आर्टिसंस और आर्टिसंस होते हैं जो आप लोग के हैंडीक्राफ्ट होते हैं, हैंडीक्राफ्ट बनाने वाले होते हैं आप लोग के, आर्टिसंस होते हैं, कलाकार होते हैं, ये सब जो है इनको आप लोग का बढ़ावा देने के लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। एक है रिवीव, एक है समर्थ। रिवीव जो स्टार्ट किया गया है ये आर्टिसंस एंड हैंडीक्राफ्ट्स वाले को बढ़ावा देने के लिए, ये रिवीव जो किया है वो माइक्रोसॉफ्ट ने किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने रिव्यू स्टार्ट किया है एंड फ्लिपकार्ट ने समर्थ स्टार्ट किया है, ठीक है। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, माइक्रोसॉफ्ट ने रिव्यू स्टार्ट किया है, फ्लिपकार्ट ने समर्थ स्टार्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का रैम और रामोन मैगसे अवार्ड। रामोन मैगसे अवार्ड किया है, रामोन मैगसे मेन आप लोग के फिलीपींस के आप लोग के प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, सॉरी प्राइम मिनिस्टर थे आप लोग के फिलीपींस के, रामोन मैगसे, तो उनके उनके तरफ से फिलीपींस जो है कंट्री वो प्रोवाइड करते हैं आप लोग को ये रामोन मैगसे अवार्ड। तो ये रामन मगोसे अवार्ड इन जर्नलिज्म किसको मिला है, हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट जर्नलिस्ट है जिसको आप लोग हर किसी को जानते हैं, हर हर बेरोजगार इस चीज़ को जानता है कि रविश कुमार कौन है। अगर रविश कुमार को आप लोग नहीं जानते हो तो जानना बहुत ज़रूरी है। ये NDTV के एक जर्नलिस्ट हैं जो कि आप लोग के रिलेटेड टू स्टूडेंट्स एंड रिलेटेड टू स्टूडेंट्स आप लोग के प्रोटेस्ट हर चीज़ को जो है बहुत बढ़ावा देते हैं, बहुत आप लोग का जो है उनको सपोर्ट करते हैं। तो रविश कुमार को अभी आप लोग का बहुत अच्छे अच्छे प्राइज़ भी मिले, आगे मैं आप लोग को बताऊँगा रविश कुमार को अभी क्या इंपॉर्टेंट पुरस्कार मिला हुआ है रविश कुमार को, है ना। जो रामसन मैगसे अवार्ड जो है वो रविश कुमार को मिला हुआ है, और रविश कुमार कौन से चैनल से रिलेटेड है, NDTV इंडिया से, ठीक है। और ये एक जर्नलिस्ट है, ठीक है, फिलीपींस जो है वो प्रोवाइड करती है आप लोग को रामसे मैगसे अवार्ड, ठीक है, रामन मैगसे अवार्ड, ठीक है। अगला जो आप लोग का कितना ग्रोथ है, ग्रोथ आप लोग का जो है कितना ग्रोथ हो सकता है उसके ऊपर आप लोग का क्वेश्चन बन सकता है। RBI ने बोला 6.9%, क्रिसिल ने बोला 6.9%, IMF ने बोला आप लोग का 7.7% सॉरी 7%, ADB ने बोला 7%, वर्ल्ड बैंक ने बोला 7.5%। वर्ल्ड बैंक ने बोला है 7.5%, सबसे ज़्यादा बोला है वर्ल्ड बैंक का, सबसे बढ़िया सेटिस्फैक्ट्री ग्रोथ रेट है आप लोग का वर्ल्ड बैंक की तरफ से इंडिया के लिए। एंड ADB दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज सेड दैट 7.7% विल बी द ग्रोथ। एंड IMF दैट इज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड विच हेड क्वार्टर इज़ एट Washington DC, एंड वर्ल्ड बैंक का भी Washington DC में है, तो ये भी जो है वो बोले हैं कि 7.7% आप लोग का जो है ग्रोथ रेट रहेगा। क्रिसिल एक क्रेडिट जनरेटिंग एजेंसी है जो कि एक आप लोग का क्रेडिट को आप लोग का जो रेट करता है कि आप लोग का कैसे लोन्स कैसे चल रहे हैं आप लोग एक रेट करता है, ठीक है, उसको आप लोग को बताता है कि आप लोग का क्या है वैल्यू, ठीक है। तो क्रिसिल जो है वो रेटिंग एजेंसी है, ठीक है, इसने बोला है 6.9% आप लोग का रहेगा ग्रोथ, एंड RBI ने बोला है 6.9% ग्रोथ रहेगा, ठीक है। ये तो हो गया आप लोग का रिलेटेड टू ग्रोथ। अगला जो है आप लोग का काबिल एक आप लोग का एक कंपनी, एक तरफ से बोल सकते हो आप लोग काबिल एक कंपनी है जो कि आप लोग के तीन कंपनी से मिलकर बनाए, कौन कौन सा, नालको, MECL, HCL। HCL तो आप लोग को पता ही है कंपनी, एंड नालको भी आप लोग को पता है, लेकिन MECL क्या है आप लोग का, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, मिक्स मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन रिलेटेड, नालको एल्यूमिनियम का है, और HCL तो आप लोग जानते ही हैं। ये तीनों मिलके काबिल आप लोग का स्टार्ट कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, आप लोग का एक मिनरल प्रोवाइड करने के लिए, जब भी आप लोग का ज़रूरत पड़ेगा मिनरल प्रोवाइड करने के लिए जो है काबिल आप लोग का स्टार्ट हुआ है, ठीक है, काबिल आप लोग का स्टार्ट हुआ है, जिसमें आप लोग का नालको का सबसे ज़्यादा परसेंट है, इसमें नालको का सबसे ज़्यादा परसेंट है, इसमें आप लोग का शेयर स्टेक्स आप लोग सबसे ज़्यादा किसके हैं, नालको के हैं,
तो ये काबिल में और ये मिनरल को आप लोग को प्रोड्यूस करके आप लोग को उसको प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। और ये काबिल का फुल फॉर्म आप लोग का क्या हो जाता है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, क्या हो जाता है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, ये हो जाता है आप लोग का काबिल का फुल फॉर्म। अगला जो है फर्स्ट पेमेंट बैंक ऑफ इंडिया, फर्स्ट पेमेंट बैंक ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नमेंट पेमेंट बैंक ऑफ इंडिया एंड ऐसा पेमेंट बैंक जो कि आप लोग का स्मॉल फाइनेंस बैंक बना है अभी अभी। तीन क्वेश्चन बनता है पेमेंट बैंक से आप लोग का। फर्स्ट पेमेंट बैंक ऑफ इंडिया कौन सा हो जाता है, एयरटेल पेमेंट बैंक। फर्स्ट गवर्नमेंट पेमेंट बैंक क्या हो जाता है, IPPB। IPPB क्या है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है आप लोग का फर्स्ट गवर्नमेंट पेमेंट बैंक है। एंड फर्स्ट पेमेंट बैंक जो पहली बार पेमेंट बैंक आया आप लोग का वो है एयरटेल। और जो पेमेंट बैंक आप लोग का बना है स्मॉल फाइनेंस बैंक वो भी आप लोग का क्या हो जाता है, IPPB। IPPB जो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ये बना है आप लोग का फर्स्ट पेमेंट बैंक जो कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में बना है, ठीक है, चेंज हुआ है। अगला जो है सेव ग्रीन एंड स्टे क्लीन, सेव ग्रीन एंड स्टे क्लीन कैंपेन किसने स्टार्ट किया, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल आप लोग का हो जाएगा। और यहीं पे आप लोग का जो 324 आर्टिकल लगा है, 324 आर्टिकल क्या होता है आप लोग का, जब भी 324 आर्टिकल लगता है तो वहाँ पे आप लोग के इलेक्शंस नहीं होते, ठीक है, वहाँ रोका जाता है, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ें रहती हैं, वेस्ट बंगाल में बहुत सारा दंगे हुए थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए थे, उसके कारण 324 आर्टिकल वहाँ लग गया था, ठीक है। तो सेव ग्रीन स्टे क्लीन का आप लोग का कैंपेन कहाँ स्टार्ट हुआ आप लोग का, वेस्ट बंगाल में। नंबर ऑफ़ स्टेट्स कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। नंबर ऑफ़ यूनियन टेरेटरीज कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। पहले नंबर ऑफ़ यूनियन टेरेटरीज कितने थे, 7 थे। नंबर ऑफ़ स्टेट्स कितने थे, 29 थे। क्यों था 29, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक स्टेट के नाम से आता था आप लोग का, जम्मू कश्मीर को एक स्टेट माना जाता था, इसलिए 29 स्टेट्स थे। लेकिन अब जम्मू कश्मीर को एक स्टेट नहीं मान रहे, जम्मू कश्मीर में जम्मू और लद्दाख दोनों अलग हो गए। दोनों अलग करने के बाद दोनों को एक अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। हो सकता है फ्यूचर में स्टेट बनाया जाए, उसको कोई किया जाए, लेकिन अभी एट प्रेजेंट आप लोग को मैं बता दूँ, अक्टूबर 31, दैट इज़ यूनिटी डे। अक्टूबर 31 को क्या बनाया जाता है, यूनिटी डे बनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में, आप लोग का सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके जन्म दिवस में आप लोग का यूनिटी डे बनाया जाता है। तो ये यूनिटी डे जो है एकता दिवस बोलते हैं, 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को जम्मू एंड लद्दाख को अलग अलग यूनियन टेरेटरी बना देंगे। तो जम्मू और लद्दाख अलग अलग यूनियन टेरेटरी बन जाएंगे, तो दो यूनियन टेरेटरी भर गए, पहले 7 थे, अब कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। नेक्स्ट आप लोग का जो अभी स्टेट्स जो हैं 29 थे, 29 से कम हो के आप लोग के हो जाएंगे 28। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हो गए, 28 हो गए। यूनियन टेरेटरी कितने हो गए, 9 हो गए, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आप लोग का मेची रिवर, कुछ नहीं है आप लोग का, मेची रिवर और कोसी रिवर जो है ये दोनों को आप लोग का संगम किया जा रहा है। तो इसमें जो है कोसी रिवर तो आप लोग को पता ही है बिहार में, तो क्वेश्चन कोसी रिवर का है तो बिहार मारना ही आपको, लेकिन मेची रिवर भी आप लोग का आ सकता है। मेची रिवर कहाँ पर आप लोग का, ये भी आप लोग का बिहार में पड़ता है, ठीक है। बिहार सौरव ऑफ बिहार किसको बोलते हैं आप लोग का, कोसी रिवर को ही बोलते हैं, ठीक है। कोसी को आप लोग को सौरव ऑफ बिहार बोलते हैं। सौरव बंगाल किसको बोलते हैं आप लोग को, सौरव बंगाल बोलते हैं आप लोग का दामोदर नदी को, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को अच्छा से पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप लोग का लोक सेवा भवन, लोक सेवा भवन आप लोग का और राजभवन, ये दो चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। लोक सेवा भवन कहाँ पे है आप लोग का, लोक सेवा भवन अभी अभी आप लोग का जो सेक्रेटरिएट है, सेक्रेटरिएट ऑफ ओडिशा जो है उसको लोक सेवा भवन का नाम दिया गया है। लोक सेवा भवन जो आप लोग का है वो सेक्रेटरिएट ऑफ ओडिशा, ओडिशा के में आप लोग का लोक सेवा भवन है। और गवर्नर जो जहाँ रहते हैं उसको बोलते हैं राजभवन, क्या बोलते हैं उसको, गवर्नर जहाँ रहते हैं उसको बोलते हैं राजभवन। अगला जो है मॉब लिंचिंग, मॉब लिंचिंग होता क्या है, जब भी आप लोगों का कोई भीड़ है वो किसी को मारता है या फिर किसी के ऊपर आप लोग अटैक करता है कभी भी भीड़, तो उसको बोलते हैं मॉब लिंचिंग। तो अभी रिसेंटली 2015 में भी आप लोग का एक केस हुआ था, एक मुस्लिम आदमी के ऊपर आप लोग का जो है, एक मुस्लिम आदमी के ऊपर आप लोग को बहुत सी भीड़ जो है उसके ऊपर अटैक कर दी थी, तो ये मॉब लिंचिंग का केस होता है। ऑनर किलिंग भी होता है आप लोग का, वो भी आप लोग एक तरफ से मॉब लिंचिंग ही होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग का ऑनर किलिंग और मैं मॉब लिंचिंग दोनों चीज़ की बात करूँगा। ऑनर किलिंग जो होता है ये क्या होता है, ऑनर किलिंग जब भी आप लोग का इंटर कास्ट मैरिज हुआ गया या फिर इंटर कास्ट में आप लोग का जो भी केस होता है, तो जो बीच में आपके दंगे फसाद होते हैं उसको ऑनर किलिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके कारण जो भी किले होते हैं, जो भी मरते हैं, और अगर ऑनर की वजह से, मतलब ये रिलीजन और धर्म के हिसाब से आप लोग का अगर कुछ होता है ऐसे दंगे, तो उसको ऑनर किलिंग बोलते हैं। तो ये ऑनर किलिंग में जो होते हैं इसमें आप लोग को डेथ पेनल्टी मिलेगा, 100% डेथ पेनल्टी मिलेगा। एंड मॉब लिंचिंग के केस में 5 लाख का आप लोग का फाइन या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यहाँ पर डेथ पेनल्टी नहीं है, या तो ज़िंदगी भर आप लोग को जेल में रहना पड़ेगा, या 5 लाख का आप लोग का फाइन रहेगा आप लोग का, ठीक है।
ये 5 लाख का फाइन, या फिर आप लोग को जिंदगी भर जेल में रहना है, डेथ पेनल्टी फॉर ऑनर किलिंग। ये दोनों के दोनों आप लोग का किसने स्टार्ट किया? आप लोग का राजस्थान ने स्टार्ट किया है। अभी राजस्थान के एट प्रेजेंट कौन है चीफ मिनिस्टर? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत इज़ द प्रेजेंट प्रेजेंट आप लोग के जो हैं उसके चीफ मिनिस्टर हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग का जो है उर्कुन सॉफ्टवेयर। उर्कुन सॉफ्टवेयर एक स्वीडिश सॉफ्टवेयर है। उर्कुन सॉफ्टवेयर एक स्वीडिश स्वीडिश मतलब स्वीडन स्वीडन का सॉफ्टवेयर है उर्कुन सॉफ्टवेयर। ये क्या से रिलेटेड है? जब भी आप लोग का जो भी कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें कोई कॉपीराइट इश्यूज नहीं होने चाहिए। कॉपीराइट्स आप लोग के जो उन लोग लेते हैं, चीज़ें लेते हैं, बाहर से लेते हैं, कहीं से भी लेते हैं, तो कॉपीराइट इशू जो हो रहा है उसको रोकने के लिए एक सॉफ्टवेयर रखा गया है उर्कुन सॉफ्टवेयर, जिससे कॉपीराइट इश्यूज जो है वो पूरी तरह ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। अगला जो है भारतीय हुडा। भारतीय हुडा जो है वो कहाँ पे, बस आपको यही क्वेश्चन है आप लोग का डायरेक्ट है। भारतीय हुडा, भारतीय हुडा को उड़ीसा से नाम से ही आप लोग को याद रखना है। भारतीय हुडा कहाँ पे आप लोग का? उड़ीसा, ख़त्म बात। उससे ज़्यादा आप लोग को कुछ नहीं याद रखना है। ये बहुत पुराना चीज़ है। ये क्या है भारतीय हुडा, मेन क्या है? ये बहुत ही पुराना गाँव टाइप से है। तो इसको गाँव को जो है ये बताने के लिए कि बहुत बड़ा बहुत पुराना चीज़ है, पुराना गाँव है, इसको बताने के लिए आप लोग का ये न्यूज़ में चल रहा था। तो भारतीय हुडा आप लोग का कहाँ पड़ेगा? उड़ीसा में पड़ेगा, बस। इससे ज़्यादा आप लोग को नहीं पता होना चाहिए। गांधीनगर मॉडल विलेज, गांधीनगर मॉडल विलेज कहाँ पे आप लोग का? गांधीनगर मॉडल विलेज आप लोग का हो जाता है श्रीलंका में। गांधीनगर मॉडल विलेज आप लोग का हो जाता है श्रीलंका में। नेक्स्ट आप लोग का पिंक टॉयलेट कहाँ पे आप लोग का बना हुआ है? आप लोग का नोएडा में बनाया हुआ है पिंक टॉयलेट। इसमें जो है ये फॉर वुमेंस, पिंक जहाँ आप लोग का आया तो आप समझ जाना कि फॉर वुमेंस है, ठीक है। पिंक टॉयलेट में आप लोग का अच्छे फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ है आप लोग का, उसमें बेबीज़ के लिए भी है, सब कुछ बढ़िया है एकदम। पिंक टॉयलेट जो है फुली वुमेन के सेफ्टी के लिए बनाया गया, एट नोएडा बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का एक है पिंक कोचेस होता है, पिंक कोचेस होता है। पिंक कोचेस किसने बनाया? नॉर्थ ईस्ट रेलवे ने बनाया हुआ है आप लोग का पिंक कोचेस, दैट इज़ ऑल्सो फॉर वुमेंस, ठीक है। उसमें अच्छे से एसी लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है। सेम एज़ पिंक बसेस भी है, जिसमें आप लोग का एसी देखने को मिलेगा और बढ़िया कंफर्टेबल है। ये भी यूपी में बना हुआ है, उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। पिंक बसेस इन यूपी एंड पिंक कोचेस बाई नॉर्थ ईस्ट रेलवेज, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट रेलवे आसाम साइड, गुवाहाटी साइड, ठीक है, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन साइड। नेक्स्ट आप लोग का पिंक सारथी व्हीकल, पिंक सारथी व्हीकल इज़ फॉर ऑल्सो वुमेन, दैट इज़ स्टार्टेड बाई कर्नाटका। कर्नाटका ने स्टार्ट किया पिंक सारथी व्हीकल्स एंड पिंक बसेस। किसने स्टार्ट किया? यूपी ने किया है, दैट इज़ उत्तर प्रदेश। एंड आप लोग का जो पिंक टॉयलेट है वो स्टार्ट किया आप लोग का नोएडा ने, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का मिशन शक्ति स्पोर्ट्स इनिशिएटिव, शक्ति स्पोर्ट्स इनिशिएटिव। इसमें क्या होता है मिशन स्पोर्ट शक्ति स्पोर्ट्स इनिशिएटिव में, जो भी आप लोग के नए टैलेंट है जो बहुत अच्छा खेलते हैं, जो आगे बढ़ सकते हैं, तो उनको बढ़ावा देने के लिए मिशन शक्ति स्पोर्ट्स इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। किसने? आमिर खान के द्वारा स्टार्ट किया गया है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में स्टार्ट किया गया आमिर खान के द्वारा। क्वेश्चन आप लोग के लिए ये है, इससे पहले वीडियो देखे होंगे तो आप लोग का आंसर आ जाएगा, आमिर खान किस चीज़ के ब्रांड एम्बेसडर हैं। एंड आप लोग के मैं वो बता दूं कि एक आप लोग का एक तरफ से एक मतलब आप लोग कैसे बोलूं मैं, पेटीएम टाइप का कंपनी है, समझ गए आप लोग, पेटीएम टाइप का कंपनी है जिसमें आप लोग का रिचार्ज विचार्ज होता है, सब कुछ होता है, ठीक है। तो चलिए मैं ही बता देता हूँ आप लोग को इसका आंसर, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ढंग का बन नहीं रहा है। क्वेश्चन मेरे को उल्टा बोलना चाहिए था कि फ़ोनपे का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। यहाँ पर आप लोग को मैं बता दूँ, फ़ोनपे का ब्रांड एम्बेसडर आप लोग के हो जाते हैं आमिर खान। आमिर खान इज़ द ब्रांड एम्बेसडर फॉर फ़ोनपे। एंड भारत पे के लिए कौन है, भारत पे के लिए कौन है एम्बेसडर, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। फ़ोन पे के लिए ब्रांड एम्बेसडर हो जाते हैं आप लोग के आमिर खान, भारत पे के लिए कौन है ब्रांड एम्बेसडर, इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। अगला जो एक पुलिस व्हीकल बनाया गया है वज्रा, वज्रा नाम का एक पुलिस व्हीकल बनाया गया है। ये पुलिस व्हीकल वज्रा नाम का कहाँ पे है आप लोग का है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में आप लोग का हो जाता है पुलिस व्हीकल, दैट इज़ वज्रा। अगला जो है करेंसी मैनिपुलेटर, करेंसी मैनिपुलेटर किसको बोला गया है? चाइना को बोला गया है बाय यूएस। यूएस ने बोला है कि करेंसी मैनिपुलेटर है चाइना, क्योंकि चाइना जो है अपना यूएन का वैल्यू इतना ऊपर नीचे करता है तो करेंसी मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेट क्या होता है? चेंज करना, मैनिपुलेट होता है चेंज करना। तो करेंसी मैनिपुलेटर को किसको बोला गया है आप लोग का? चाइना को बोला गया। नेक्स्ट है आप लोग का पधा मदई सिल्क मैट। जीआई टैग तो आप लोग को पता ही है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। इससे पहले कंधमल हल्दी को मिला हुआ है, इरोड हल्दी को मिला हुआ है, ये दोनों हल्दी को मिला हुआ है, इरोड हल्दी और कंधमल हल्दी। इरोड हल्दी कहाँ पे? तमिलनाडु में आप लोग का। कंधमल हल्दी कहाँ पे? आप लोग का उड़ीसा में, ठीक है। ये दोनों को जीआई टैग मिला हुआ है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है, ठीक है।
पधामढ़ई सिल्क मैट भी जो है आप लोग का, ये भी आप लोग का कहाँ से है, कहाँ से आप लोग का, तमिलनाडु से है, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। अगला जो आप लोग का अर्का सुप्रभात, अर्का सुप्रभात क्या है, क्या चीज़ है ये अर्का सुप्रभात? तो ये आप लोग का एक आम है, आम का श्रेणी है जो कि मैंगो है, जो कि आप लोग का बेंगलुरु में पाया जाता है। अर्का सुप्रभात, अर्का सुप्रभात इज ए मैंगो दैट इज़ फाउंड एट बेंगलुरु, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का जो तीन मिसाइल्स हैं जो कि ईरान से हैं आप लोग का, एक है यसीब, एक है बालाबन, एक है गहीम। एक है यसीब, एक है हाँ, तो एक है यसीब, एक है बालाबन, एक है गहीम। ये मिसाइल्स ऑफ ईरान है, ठीक है। ईरान के एक मिसाइल, ईरान की मिसाइल्स हैं यसीब, बालाबन और गहीम। अगला है जो आप लोग का पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन जो है वो उसके हेड कौन है? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के हेड हो जाते हैं आप लोग के श्रीकांत। कौन हो जाते हैं? के श्रीकांत आप लोग के हेड हो जाते हैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के हेड कौन हो जाते हैं? तो के श्रीकांत हो जाते हैं। नेक्स्ट आप लोग का नेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ एनआईटीज, राज्यसभा ने अभी अभी एक बिल पास किया है जिसमें आप लोगों को बताया गया एक इंपॉर्टेंट एनआईटीज का नाम, आप लोग का एक लिस्ट है जिसमें सिर्फ 4 NITs हैं। कितने हैं? 4 NITs हैं जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक होता है अमरावती जो कि आप लोग का पड़ता है आंध्र प्रदेश में, एक होता है जोरहाट, जोरहाट IIT जो है वो पड़ता है आप लोग का आसाम में, एक होता है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र IIT आप लोग का हो जाता है हरियाणा में, एंड भोपाल IIT हो जाता है आप लोग का मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये चारों आप लोग का नेशनल इंपॉर्टेंस NITs हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का रेस एजुकेशन, रेस एजुकेशन मॉडल जो है ये आप लोग का स्टार्ट किया गया है। रेस एजुकेशन मॉडल ये कहाँ पे स्टार्ट किया है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आप लोग का, रेस एजुकेशन मॉडल कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? तो आप लोग का आंसर हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप लोग का राजस्थान से एक और है इंपॉर्टेंट, राजस्थान में बेस्ट पुलिस स्टेशन है आप लोग का कालू पुलिस स्टेशन, कालू पुलिस स्टेशन आप लोग का जो है बेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ द बेस्ट पुलिस स्टेशन बोला गया उसको, और ये कहाँ पे है? राजस्थान में, ठीक है। अगला जो है आप लोग का वाटर स्ट्रेस कंट्री, सबसे ज़्यादा वाटर जो है प्रॉब्लम चल रहा है जिसका वाटर क्राइसिस चल रहा है वो कहाँ पे, कहाँ पे नहीं बोलेंगे इंडेक्स, एक वाटर स्ट्रेस कंट्री जिसमें आप लोग का ये बताया जाता है सबसे ज़्यादा वाटर का प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो इसका आप लोग का हो जाता है सबसे टॉप में है आप लोग का कतर, कतर में सबसे ज़्यादा वाटर क्राइसिस चल रहा है, ठीक है। अगला जो है आप लोग का सेल्फ स्टैंडिंग क्रच, ये क्रच क्या होता है? आप लोग जो आप लोग जिसका पैर ख़राब होता है तो उन लोग साइड में आप लोग का एक बैसाखी पकड़ के चलते हैं, उसी को क्रच बोलते हैं। तो ये सेल्फ स्टैंडिंग क्रच जो है अभी अभी किसी ने आप लोग को किस IIT ने स्टार्ट किया है सेल्फ स्टैंडिंग क्रच? तो ये स्टार्ट किया आप लोग का IIT दिल्ली, IIT दिल्ली ने स्टार्ट किया है सेल्फ स्टैंडिंग क्रच। अगला है आप लोग का एक बुक है बोलना बोलना ही है, बोलना ही है मतलब आप लोग जो भी हो रहा है आप लोग को बोलना पड़ेगा। ये एक बुक स्टार्ट किया है, बहुत अच्छी बुक है, इसको पढ़ना चाहिए एक बार आप लोग को, क्योंकि ये बुक आप लोग के सपोर्टर, अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग एक स्टूडेंट ही हों, ऑब्वियस सी बात है, मैक्सिमम 95% आप लोग के स्टूडेंट्स ही होंगे। 5% हो सकता है कि कुछ अलग से नॉलेज लेने के लिए देख रहे हों, लेकिन 95% स्टूडेंट्स ही होंगे, और स्टूडेंट्स का हेल्प करने के लिए ही रवीश कुमार अपना अपना हाथ बढ़ाए हैं स्टूडेंट की तरफ, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखा है बोलना ही है, तो इसको ज़रूर आप लोग हो सके तो इसका PDF से पढ़ लीजिए या फिर इसका हार्ड कॉपी से पढ़ लीजिए, लेकिन इसको ज़रूर पढ़िएगा, बढ़िया बुक है, अच्छा बुक होगा ये, बोलना ही है, ठीक है, रवीश कुमार का बुक है। अगला जो है फेम स्कीम, फेम स्कीम किसने स्टार्ट, फेम स्कीम रिलेटेड टू विच चीज़, विच थीम दैट इज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल से जो है रिलेटेड है आप लोग का फेम स्कीम, ठीक है। अगला जो है आप लोग का प्रोजेक्ट वाटर चक्रा, प्रोजेक्ट वाटर चक्रा में क्या है आप लोग का, यूरिन को रिसाइकल किया जाएगा, यूरिन को रिसाइकल किया जाएगा और उसको वाटर बनाया जाएगा आप लोग का, नॉर्मल बनाया जाएगा, जिसमें उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट वाटर चक्रा। तो ये आप लोग का स्टार्ट हुआ है भाई IIT मद्रास, IIT मद्रास ने स्टार्ट किया आप लोग का प्रोजेक्ट वाटर चक्रा। अगला जो है 31 अक्टूबर दैट इज़ यूनिटी डे, यूनिटी डे एकता दिवस, मैंने इससे पहले भी बता चुका है आप लोग का एकता दिवस जो कि बनाया जाता है आप लोग का यूनिटी डे सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर को। तो इसमें जो है जम्मू और लद्दाख को अलग अलग यूनिटरिटीज में बांट दिया जाएगा, जम्मू और लद्दाख अलग अलग यूनिटरिटीज में बांट दिया जाएगा, एंड फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी जो है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है।
सरदार को उपाधि किसने दिया है, ये भी क्वेश्चन आप लोग का बन सकता है। सरदार का उपाधि दिया है आप लोग का एक वुमेन कम्युनिटी थी, वो उन्होंने दिया है, लेकिन क्वेश्चन में आप लोग ऑप्शन में आप लोग को महात्मा गांधी अगर आता है तो महात्मा गांधी भी आप लोग का सही हो जाएगा। महात्मा गांधी जो है उन्होंने आप लोग का ये अनाउंस किया था कि वल्लभ भाई पटेल के सामने आप लोग का सरदार नाम लगेगा। सरदार नाम लगने का आप लोग का मेन था वल्लभ भाई पटेल के सामने सरदार नाम लगने का, वुमेन की कम्युनिटी ने बोला था कि सरदार लगना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके बाद आप लोग का अनाउंस किसने किया, महात्मा गांधी ने अनाउंस किया। नेक्स्ट आप लोग का विरासत-ए-खालसा, विरासत-ए-खालसा जो है ये एक म्यूज़ियम है कहाँ पे, पंजाब में आप लोग का पड़ता है विरासत-ए-खालसा। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं पिलग्रिम्स, तो ये जो आप लोग के बाहर से आते हैं टूरिस्ट आते हैं, तो इसके गिनती के वजह से इनका वैल्यू बढ़ गया कि इनका नाम किया आप लोग का विरासत-ए-खालसा। ये जगह आप लोग का कहाँ पड़ता है, आप लोग का पंजाब में पड़ता है। अगला है मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना। मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना में क्या है, 1 हेक्टर के पीछे आप लोग को 5,000 मिलने का है, 5 हेक्टर के पीछे आप लोग को 25,000 मिलने का है आप लोग का साल का, ठीक है। ये कहाँ स्टार्ट हुआ है आप लोग का, झारखंड में हुआ है। झारखंड के अभी सीएम कौन है एट प्रेजेंट, रघुवर दास, रघुवर दास जी जो है वहाँ के एट प्रेजेंट झारखंड के सीएम है, ठीक है, चीफ मिनिस्टर है। और झारखंड की कैपिटल क्या हो जाती है, रांची हो जाती है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में क्या है, जिसके भी आय 1,80,000 से कम है, 1,80,000 से कम है सालाना, 1,80,000 से कम है उनका, उनको क्या मिल रहा है, 6,000 रुपये सालाना मिल रहा है उनके खर्चे पानी के लिए। कौन सी सरकार दे रही है, हरियाणा की सरकार दे रही है, और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन हो जाते हैं, मनोहर लाल खट्टर हो जाते हैं, मनोहर लाल खट्टर हो जाते हैं हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, ठीक है। और हरियाणा का कैपिटल क्या हो जाता है, चंडीगढ़ हो जाता है, ठीक है। ये 1,80,000 से जिसका भी कम है उसको सालाना आप लोग का 6,000 का एक सब्सिडी टाइप का मिलेगा भाई हरियाणा, ठीक है, परिवार समृद्धि योजना। अगला जो है रोटा वायरस के वजह से चाइल्ड डेथ होते हैं साल में, बहुत सारे चाइल्ड डेथ होते हैं, मान के चलिए बहुत सारे डेथ हो रहे हैं, तो उसका कितने परसेंट रोटा वायरस की वजह से हो रहे हैं। रोटा वायरस की वजह से होता क्या है, डायरिया हो गया, पानी की कमी हो गई, जिसके कारण से आप लोग का बच्चे की मौत हो जाती है, बच्चे का डेथ हो जाता है। तो ये जो बच्चे का डेथ होता है रोटा वायरस के कारण, ये 10% है टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड डेथ के, जो रोटा वायरस की वजह से होता है, ठीक है, 10% आप लोग के रोटा वायरस की वजह से होता है। नेक्स्ट है जो आप लोग का एक ऑक्सबो लेक है जिसका नाम है गोगा बिल। ऑक्सबो लेक होता क्या है, आप लोग के दो नदियों के बीच में एक लेक बनता है छोटा सा, उसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक, दो नदियों के बीच में, तो एक गंगा और आप लोग का महानंदा, गंगा और महानंदा के बीच में आप लोग का जो है ये ऑक्सबो लेक बना हुआ है, जो कि गोगा बिल ऑक्सबो लेक है नाम से। ये कहाँ पे आप लोग का, तो बिहार आप लोग का आंसर हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है आप लोग का बिहार, गोगा बिल ऑक्सबो लेक इज इट बिहार। अगला जो है मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट, सबसे ज़्यादा फिल्म फ्रेंडली फ्रेंडली स्टेट जो है उसको किसको उपाधि दिया गया है, तो आप लोग का हो जाएगा आंसर उत्तराखंड, उत्तराखंड को जो है मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट माना गया है, ठीक है। अगला जो है आप लोग का मिशन रीच आउट, मिशन रीच आउट जो है वो जम्मू के द्वारा स्टार्ट किया गया है मिशन रीच आउट। नेक्स्ट है मैक्सिमम GDP स्टेट्स, मैक्सिमम GDP कौन से स्टेट दिखाया है आप लोग का, GDP क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जो भी कंट्री के अंदर एंड कंट्री, अगर मान के चलिए आप लोग का कोई बंदा आप लोग का इंडिया का है लेकिन वो कहीं ऑस्ट्रेलिया में जाके काम कर रहा है, तो उसका इनकम GDP में होगा कि नहीं होगा, होगा उसका इनकम GDP में जुड़ेगा। लेकिन अगर बाहर वाला कोई है ऑस्ट्रेलिया वाला, वो अगर इंडिया में आके काम कर रहा है, तो उसका इनकम GDP से माइनस करना पड़ेगा। मान के चलिए इंडिया में रहने वाले, जैसे मान के चलिए इंडिया में 4 लोग रहते हैं, एक 10-10 हज़ार कमाते हैं, मान के चलिए इंडिया में 4 लोग रहते हैं, टोटल 10-10 हज़ार कमाते हैं, ठीक है, सिर्फ 4 लोग हैं पूरे इंडिया में, सिर्फ 4 लोग हैं, 10-10 हज़ार कमाते हैं, कितना हो गया 40,000, ये 4 में से एक ऑस्ट्रेलिया का बंदा है, एक ऑस्ट्रेलिया का बंदा है, तो ये कितना हो गया आप लोग का, एक ऑस्ट्रेलिया का बंदा है तो उसको साइड कर दिए, मतलब बच गए 3, 3 बच गए तो कितना हो गया 30,000, ये 30,000 तो GDP में जुड़ेगा ही। अब जो है 2 बंदे जो हैं ऑस्ट्रेलिया में बाहर जाके काम कर रहे हैं, उन लोग भी 10-10 हज़ार कमा रहे हैं, इंडिया के ही हैं लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जाके कमा रहे हैं, तो 10-10 हज़ार कमा रहे हैं, तो वो 10 हज़ार वाले भी को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि वो इंडिया का है, तो यहाँ के 30,000 हो गए, वहाँ के 20,000 हो गए, तो टोटल 50,000 हो गए, टोटल 50,000 हो गए, ये हो गए टोटल आप लोग का GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना हो गया आप लोग का, 30,000 प्लस 20,000 50,000 हो गया, ठीक है, ये आप लोग का GDP होता है। तो ये जो GDP है आप लोग का सबसे ज़्यादा किस में, कौन से स्टेट ने दिखाया है, ये स्टेट की बात किया जाए तो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के बाद आंध्र प्रदेश है, दो आप लोग को बताया होना चाहिए, उससे ज़्यादा आप लोग को जानने की ज़रूरत नहीं है। सबसे टॉप में वेस्ट बंगाल है, सबसे बढ़िया ग्रोथ दिखा रहा है GDP ग्रोथ, ठीक है, और उसके बाद आप लोग का GDP ग्रोथ जो दिखा रहे हैं वो आंध्र प्रदेश ने भी बहुत बढ़िया GDP ग्रोथ दिखाया है। अगला जो है कजिन सारा लेक, कजिन सारा लेक आप लोग का कहाँ पे है, तो आप लोग का डायरेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल में,
ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का एक बुक है लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग, सुनना और सीखना और आगे बढ़ना, सुनना सीखना और आगे बढ़ना जो है एक बुक है, ये किसने लिखा है, वेंकैया नायडू, जो कि आप लोग के 13th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, 13th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जो कि एक चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी बोलते हैं। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, जो कि अभी एट प्रेजेंट वेंकैया नायडू हैं। वेंकैया नायडू जो जो कि 13th वाइस प्रेसिडेंट है, वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी हैं, और उन्होंने लिखा है एक बुक कि सुने सुने और लिसनिंग लिसनिंग लिसन लर्न एंड लीड, लिसन लर्न एंड लीड, ये एक बुक है जिसको लिखा है वेंकैया नायडू ने। नेक्स्ट आप लोग का है TSENTR, TSENTR जो है एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, दैट इज हेल्ड एट रशिया, जिसमें आप लोग के SCO कंट्रीज़, ये SCO क्या है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको SCO बोलते हैं, ये कंट्रीज़ मिलके आप लोग का मिलिट्री एक्सरसाइज करती है, जिसका नाम आप लोग का हो जाता है TSENTR, TSENTR 2019, ठीक है। अगला जो है आप लोग का वृक्षारोपण महाकुंभ, वृक्षारोपण महाकुंभ क्या है, आप लोग का 22 करोड़ पौधे लगाए गए हैं एक दिन में, एक दिन में आप लोग का 22 करोड़ पौधे लगाए गए हैं, ये पौधे लगाए गए हैं आप लोग का यूपी में, उत्तर प्रदेश में, और इसको नाम दिया गया है वृक्षारोपण महाकुंभ के नाम से, ठीक है। टाइफून लाकिमा कहाँ पे आया हुआ है आप लोग का, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा चाइना हो जाएगा, टाइफून लाकिमा आप लोग का चाइना में आया हुआ है। एक बुक है आप लोग का रिसर्जेंट इंडिया, एक बुक है आप लोग का रिसर्जेंट इंडिया, ये किसने लिखा है, तो आप लोग का हो जाएगा बीमल जलान जी ने जो है वो लिखा है आप लोग का रिसर्जेंट इंडिया, ठीक है। अगला जो आप लोग का हारमोनी ऑपरेटिंग सिस्टम, हारमोनी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे आप लोग का बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विस्टा होता है, वैसे ही आप लोग का जो है हारमोनी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये किस कंपनी का है, तो हुवाई का है, और हुवाई कहाँ की कंपनी है, तो ये हो जाएगा चाइना की कंपनी है। अगला जो है स्वामीनाथन अवार्ड, स्वामीनाथन है कौन, ग्रीन रिवोल्यूशन को स्टार्ट करने वाले इंडिया के हैं स्वामीनाथन, ठीक है। स्वामीनाथन जी ने जो है ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट किया आप लोग का इंडिया में, ठीक है। अगला जो आप लोग का इसको किसको अवार्ड मिला है, स्वामीनाथन अवार्ड, ये है केनेथ एम क्विन को मिला है आप लोग का स्वामीनाथन अवार्ड। अगला जो है ई कार्ड आप लोग का, सॉरी ई कार है, ई कार्ड नहीं है, ई कार होगा, वो क्या होगा आप लोग का, ई कार, इलेक्ट्रॉनिक कार, इलेक्ट्रॉनिक कार किसने स्टार्ट किया आप लोग का, न्यू दिल्ली ने किया है, वो ई कार्ड नहीं होगा, ई कार होगा, इलेक्ट्रॉनिक कार आप लोग को स्टार्ट किया है न्यू दिल्ली ने। अगला जो है मालाबार गोल्ड, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स आप लोग तो जानती हैं, मालाबार गोल्ड गोल्ड एंड डायमंड्स के एड मतलब ब्रांड एम्बेसडर कौन है आप लोग के, तो वो जाते हैं आप लोग के अनिल कपूर। अगला जो है आदि परिक्कू फेस्टिवल तमिलनाडु में मनाया जाता है, और ये बेसिकली है किस चीज़ से, आदि के परिक्कू फेस्टिवल जो है बेसिकली आप लोग के नदियों पानियों को पूजा करते हैं, ठीक है, नदियों पानियों को पूजा होता है वहाँ पे, आप लोग को वॉरशिप ऑफ लेक्स, वॉरशिप ऑफ रिवर्स आप लोग का जो होता है वो होता है आदि परिक्कू फेस्टिवल, दैट इज़ हेल्ड एट तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। नेक्स्ट आप लोग का जो है ऑपरेशन मुस्कान आप लोग तो जानते ही हैं, ऑपरेशन मुस्कान जो है घूमे हुए बच्चों को जो है वापस से, मिसिंग चिल्ड्रंस को जो है वापस से उनके पेरेंट्स तक पहुंचाना, इसके लिए एक मिशन स्टार्ट किया गया था ऑपरेशन मुस्कान, ये किसने स्टार्ट किया आप लोग का, हैदराबाद पुलिस ने स्टार्ट किया, ठीक है। आप लोग का नेक्स्ट है आप लोग का वाहली डिग्री योजना किसने स्टार्ट किया आप लोग का, गुजरात ने स्टार्ट किया है, ये बच्चियों के लिए, गर्ल्स के लिए स्टार्ट किया गया है, जो भी आप लोग की बच्चियां रहती हैं जिसको चौथी क्लास तक उनको सब्सिडीज मिलेंगे आप लोग का 4,000 का, ठीक है, उसके बाद आप लोग का 9th क्लास तक उनको सब्सिडी मिलेगा 6,000 का, उसके बाद हायर स्टडीज़ के लिए 1,00,000 का मिलेगा, शादी के लिए 1,00,000 का मिलेगा, टोटल 133 करोड़ एलोकेट किया गया आप लोग का वाहली डिग्री योजना के लिए गुजरात का, ठीक है, गुजरात का योजना है। अगला है आप लोग का हाइपर लूप ट्रांसपोर्टेशन क्या है, हाइपर लूप ट्रांसपोर्टेशन से आप लोग का जो लेंथ ऑफ जो आप लोग का टाइम लगता है कोई भी डिस्टेंस कवर करने के लिए, तो उसको कम करने के लिए जो है हाइपर लूप ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट किया जाता है, ये अभी अभी महाराष्ट्र में हुए, मुंबई टू पुणे में जो है 3 घंटे 4 घंटे का टाइम लगता था, उसको कम करके 1 घंटे के अंदर, आधा घंटे से 1 घंटे के अंदर बीच में आप लोग को वो कम्प्लीट करने के लिए हाइपर लूप ट्रांसपोर्टेशन लाया गया है इन महाराष्ट्र। अगला जो है मेघदूत ऐप से आप लोग को डायरेक्ट समझ में आ रहा है, मेघ मतलब आप लोग का क्या है, बादल मतलब जो बारिश है, वेदर फोरकास्ट के लिए मेघदूत ऐप रखा गया है टू हेल्प फार्मर्स कि कब आप लोग का बारिश हो सकता है, कब तूफान आ सकता है, या फिर कब बारिश नहीं हो सकता, ये भी आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का सुपर सेंचुरी एक बुक है,
इससे ज़्यादा आप लोग को नहीं जानना है, उसका और भी लंबा नाम है, लेकिन सुपर सेंचुरी रखिए, आप लोगों को सिर्फ बुलेट पॉइंट्स याद रखना है। सुपर सेंचुरी एक बुक है जिसको लिखा है राघव बहल ने, राघव बहल ने लिखा है। अगला इंपॉर्टेंट चीज़ है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नंबर बढ़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक जो जजेस थे 30 थे और एक चीफ जस्टिस था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है अभी? गोगोई जी हैं, ठीक है, रंजन गोगोई जी हैं, जो कि आसाम से बिलोंग करते हैं, ठीक है। रंजन गोगोई जी जो हैं वो आप लोग के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। एक चीफ जस्टिस होते हैं, 30 जजेस होते हैं अभी तक, लेकिन अब क्या होगा, 33 जजेस होंगे और एक चीफ जस्टिस होगा। 33 जजेस होंगे और एक चीफ जस्टिस होगा, तो टोटल जजेस कितने हो गए 33 एंड एक चीफ जस्टिस, तो टोटल कितने हो गए आप लोग के 34। 34 हो जाते हैं अब नंबर ऑफ चीफ जस्टिस प्लस जजेस, तो ये हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के नंबर ऑफ जजेस। नंबर ऑफ़ जजेस आप लोग के 33 है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नंबर ऑफ़ जजेस आप लोग के 33 और एक चीफ जस्टिस है, तो टोटल आप लोग क्या हो गया 34। अगला जो आप लोग का मोबाइल लाइब्रेरी बस सर्विस, मतलब आप लोग के घर घर जाके अभी जो है बस सर्विस आप लोग स्टार्ट हो गया, जिसमें लाइब्रेरी आप लोग के मिल जाएंगे आप लोग को। ये इसका नाम क्या है, घर घर दस्तक, घर घर पुस्तक, ये स्टार्ट हुआ आप लोग का न्यू दिल्ली में, मोबाइल लाइब्रेरी बस सर्विस। नेक्स्ट आप लोग का सुबह से लेकर रात के 9 बजे तक आप लोग के वो मॉन्यूमेंट्स चालू रहेंगे। ऐसे कितने मॉन्यूमेंट्स हैं जिसको ऑर्डर मिला है कि सुबह सनराइज से लेकर सुबह सूर्य निकलने से लेकर आप लोग के रात के 9 बजे तक चालू रहेगा वो मॉन्यूमेंट, तो ये आप लोग के टोटल नंबर ऑफ मॉन्यूमेंट्स हैं 10। कितने मॉन्यूमेंट्स? 10 हैं। अगला है 2019 फाइनेंशियल ईयर, मतलब 18-19 को है, जो 2018-19 का सेशन होता है उसको 2019 फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। 2019 फाइनेंशियल ईयर को हम लोग 2018-19 का सेशन को बोलते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसका आया हुआ है, तो ये आया हुआ है इंडिया में, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंडिया में आया हुआ है। कितना आया हुआ है? $64.37 बिलियन जो है आया हुआ है FDI के तौर पर 2019 फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में। अगला आखिरी क्वेश्चन है जो आप लोग का, वो है पश्मीना टेस्टिंग एजेंसी। पश्मीना टेस्टिंग एजेंसी कहाँ पे आप लोग का, तो ये पड़ता है आप लोग का लेह। लेह कहाँ पे आप लोग का? लेह आप लोग का जम्मू कश्मीर के स्टेट में पड़ता था, लेकिन अब जो है इसको अलग यूनिटेटरी के तौर पे देखने को मिलेगा आफ्टर 1 अक्टूबर 31, दैट इज़ यूनिटी डे, ठीक है। पश्मीना टेस्टिंग एजेंसी इज़ इन लेह, ठीक है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आप लोग का रिलेटेड टू ESSC UDC मेंस था। तो आशा करता हूँ काफ़ी कुछ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, एंड जो भी आप लोगों को क्वेरीज हैं उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।